वैसे नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करते हैं। आपने कहा बेबुनियाद आरोप है, दोनों अरोप बेबुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड दिया गया है। संजय जी कि कोई कहीं रिकवरी नहीं है, कोई कहीं एविडेंस नहीं है, कोई एक पैसे का लेन देन नहीं है, चूंकि स्कैम कभी हुआ ही नहीं। ये ईडी और सीबीआई केस इन्वेस्टिगेशन ही स्कैम है, क्योंकि 4 आदमी को अरेस्ट करो, 1 को मारो, पीटो, कान फाड़ दो, दांत तोड़ दो, परिवार को धमकी दो और इस शर्त पे कि भाई तू अप्रूवर बन जा और तू फलने फलने व्यक्ति का नाम ले ले, तब तुमको हम छोड़ देंगे। तो आदमी मरता करता ना का, जो आदमी मर रहा वो क्या ना करे। तो उस प्रकार से देखो, ये दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा ने कई बार स्टेटमेंट्स दे दिए, एक भी स्टेटमेंट में संजय सिंह जी का नाम नहीं है। यहां तक कि ईडी को एक बार माफी मांगनी पड़ी कि राहुल सिंह के जगह लिख दिया संजय सिंह, बाद में इन्होंने ऐसा कहा। देखो, संजय का विजय तो हो सकता है, संजय का अजय तो हो सकता है, लेकिन संजय का राहुल सिंह हो जाए तुम बाद में माफी मांगो, इस बात से प्रतीत होता है कि सब कुछ कुक्ड अप है, सब कुछ ऊपर से डायरेक्टेड है, एक स्क्रिप्ट चल रही है, उस स्क्रिप्ट के तहत सारी बातें हो रही हैं। क्योंकि संजय सिंह के नाम वो चीज आती है जो कि माननीय मोदी जी को चुभता है, क्योंकि ये संजय सिंह ही है जिन्होंने कि मणिपुर के सवाल पे, मणिपुर के सिचुएशन पे मोदी ही सवाल पूछा। ये संजय सिंह जी हैं जिन्होंने कहा कि भाई वहां महिलाओं को नग्न घुमाया गया और आप यहां चुप बैठे हुए हैं। ये संजय सिंह जी हैं जिन्होंने कि दिल्ली में जब ये डेमोक्रेसी का हनन कर रहे थे तो संजय सिंह ने सवाल पूछा। सवाल पूछने वाले व्यक्ति से उनको बहुत चिढ़ है, इसी का परिणाम इस प्रकार की हरकत। लेकिन सच जल्दी आ जाएगा बाहर। आप मानते हैं कि जब ये 5 दिन के बाद सब कुछ दबाव देकर देखिए, 10 दिन का मांग करा था, 10 दिन की मांग की थी ईडी ने, लेकिन 5 दिन ही माने न्यायालय ने। और चूंकि इस प्रकार का प्रोविजन है तो आप भी देख लो भैया, क्या आपको देखना है, क्या आपको करना है तो कर लो। संजय सिंह पहले जैसे शेर थे, आज भी शेर हैं, कल भी शेर रहेंगे। 5 दिन के बाद आपको पूरी उम्मीद है कि अरे कुछ है ही नहीं इनके पास, ये केस 2 मिनट में फॉल फ्लैट हो जाएगा।